कि अजमेर अगर डिमांड जीरो कर देता है तो इससे ये मतलब थोड़ी है कि हमारा वेटिंग क्लियर नहीं होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अरब इंडियन। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो एक दो दिन के भीतर जो ये सर्कुलर जारी हुआ था, यह अप्रूवल जारी हुआ था, जितने भी वेटिंग कैंडिडेट के लिए, जो भी वेटिंग कैंडिडेट बहुत परेशानी में है, ये खासकर अजमेर वालों के लिए कि सभी कॉलम में जो जीरो लिखा गया है, आखिर ये जीरो क्यों लिखा गया है, इससे सभी भयभीत हो गए हैं पूरी तरह कि हमारा वेटिंग क्लियर होगा या कि नहीं होगा। सभी पूरा भ्रम में हैं, सभी परेशानी में हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उनकी सारी परेशानियों को मैं दूर कर दूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह अप्रूवल जो मिला है, हर एक जोनल रेलवे का अपना अपना जो डाटा लीक किया गया है, ये ऑल ओवर इंडिया में 6770 वेटिंग कैंडिडेट का डिमांड किया गया है। 6770, जबकि ऑल ओवर इंडिया में वेटिंग लिस्ट की बात की जाए तो वेटिंग लिस्ट में 5 से 6 हज़ार कैंडिडेट वेटिंग में हैं। तो सीधी सी बात है कि वेटिंग क्लियर होनी ही है। अब बात करते हैं कि यह जो जीरो जीरो लिखा गया है पूरे कॉलम में, एडिशनल में जीरो, डाइवर्सन में जीरो, ये जीरो आखिर क्यों लिखा गया। मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि मान लीजिए हमें कोई सामान बेचनी है, या ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमें कहीं काम करने जाना है। मैं एक मजदूर क्लास का आदमी हूँ, मैं काम करने जा रहा हूँ, तो मैं 10 घर के दरवाजे पे गया कि मुझे काम करनी है, क्या आपके घर में काम है। तो किसी ने कहा कि नहीं, मेरे घर में काम नहीं है। दूसरे ने भी कहा मेरे घर में काम नहीं है। तीसरे ने भी कहा मेरे घर में काम नहीं है। लेकिन चौथे ने कहा कि हाँ, मेरे घर में एक दिन का काम है, आप कर सकते हैं, मैं आपको इतना मजदूरी दूंगा। तो सीधी सी बात है कि अजमेर अगर डिमांड जीरो कर देता है तो इससे ये मतलब थोड़ी है कि हमारा वेटिंग क्लियर नहीं होगा। अजमेर को ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरी बोर्ड को तो ज़रूरत है। इसीलिए अजमेर के जितने भी वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं, उन सभी को NR में कन्वर्ट किया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है, और बंगलोर की जितने भी कैंडिडेट हैं, उन सभी को चेन्नई में डाइवर्ट किया जा रहा है। तो जितनी ज़्यादा डिमांड है, उससे कम ही वेटिंग लिस्ट के ऑल ओवर इंडिया में वेटिंग में कैंडिडेट हैं। इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, वेटिंग सभी क्लियर होनी है। आप जहाँ भी हैं, प्लीज़ थोड़ा बेसब्री से, थोड़ा बस वेट कीजिए, 1 से 2 हफ्ते के अंदर पैनल आएगा, सबका डाइवर्सन आएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।